हेलो एवरीवन, आज का ट्रिप रोड ट्रिप है और अभी हम लोग हैं फिलहाल मैहर में और टाइम हो गया है सुबह के 8:30 बज गए हैं लगभग। तो मैहर से पुणे का रोड ट्रिप है और हालांकि एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन बहुत रात हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए। तो देखेंगे बीच में कहीं एक हॉल्ट लेंगे, आज रात को रुकेंगे। तो रूट रहेगा हमारा जबलपुर नागपुर, नागपुर के बाद समृद्धि महामार्ग से होते हुए औरंगाबाद, औरंगाबाद से वही अहमदनगर पुणे। तो नागपुर क्रॉस करने के बाद बीच में कहीं पे हॉल्ट करेंगे, वहाँ रुकेंगे और टोटल जर्नी है अराउंड 1200 किलोमीटर की। तो 600 ऐसा, आज 600 कंप्लीट करेंगे, फिर कल कंप्लीट कर लेंगे 600। और तो मैहर से कटनी है 60 किलोमीटर, तो पहले कटनी आएगा फिर जबलपुर आएगा। और रोड तो अच्छी है, 4 लेन है अभी। सो गाइस, कटनी आ गया है और कटनी सिटी के लिए सीधा है रास्ता, और लेकिन हम राइट लेंगे, बाईपास है राइट से, और सीधे जबलपुर के लिए यहाँ से निकलेंगे। सिटी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और तकरीबन 8-9 किलोमीटर तक रास्ता ऐसा ही है, थोड़ा ख़राब है। होपफुली 5-6 महीने में काम हो जाना चाहिए, पर फिलहाल तो थोड़ा ख़राब ही है रास्ता। सो अभी कटनी बाईपास हो गया है क्रॉस और अब रोड हो गई है ठीक अच्छी, और अब पहुंचेंगे सीधे जबलपुर। जबलपुर तक रोड अच्छी है, इनफैक्ट पूरी नागपुर तक अच्छी है अब यहाँ से। तो जबलपुर पहुंच गए हम लोग, जबलपुर बाईपास में है और टाइम हो गया है एग्जैक्ट 12 बजे हैं। अब यहाँ से तकरीबन 260 है नागपुर, और रोड अच्छी है अब पूरी। अभी तक बस वही कटनी बाईपास में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, उसको छोड़ के पूरी रोड अच्छी है, और आई गेस आगे भी पूरी रोड अच्छी है नागपुर तक। अब नेक्स्ट सिवनी आएगा और फिर सिवनी के बाद जबलपुर। तो आई गेस कि शाम को 6 बजे के आसपास, 5-6 घंटे यहाँ से लग ही जाते हैं, 5-6 घंटे लग जाएंगे नागपुर पहुँचते पहुँचते। ओ, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, ओ कार और ट्रक का हुआ है। एक्चुअली बलेनो वाले ने राइट टर्न लिया है और सामने से ट्रक आ रहा था और ज़बरदस्त टक्कर हुई है, क्योंकि कार का साइड पोर्शन तो पूरा ही डैमेज हो गया और बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है ये। सो गाइस, जबलपुर तो क्रॉस हो गया है, अब सिवनी के लिए निकल गए। अब जैसे जबलपुर क्रॉस होता है
तो एक 25-30 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा घाट एरिया आता है, तो यहाँ पे टर्निंग बहुत है, यहाँ थोड़ा संभल कर चलना ही ठीक है, क्योंकि अचानक से यू टर्न है और घाट है तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो गाइस सिवनी क्रॉस हो गया है और टाइम हो गया है 2:30 बज रहे हैं करीब, और अभी यहाँ से 1:20 है नागपुर, और टोटल हमारी जर्नी हो गई है तकरीबन 350 किलोमीटर मैहर से। अब आगे पीच का एरिया आएगा, ये पेच नेशनल पार्क का एरिया है और रोड अच्छी बनाई हुई है यहाँ पे, और रोड के दोनों साइड, एक्चुअली रोड थोड़ा ऊपर बनाई हुई है और रोड के दोनों साइड फेंसिंग भी की हुई है, सो कि जानवर जो हैं वो रोड पे ना आ पाएँ। हाँ थोड़ा टर्निंग्स ज़रूर है बीच बीच में, बट ओवरऑल अच्छी रोड है। सो गाइस अब आ रहा है रामटेक, और यहाँ से नागपुर है 60 किलोमीटर, पर नागपुर सिटी तो इंटर नहीं करेंगे हम, बाईपास से निकलेंगे और कहाँ करेंगे समृद्धि हाईवे, तो अभी भी 1.5 घंटे लगने वाले हैं और आई गेस आधे घंटे में नागपुर बाईपास हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। सो गाइज नागपुर आ गया है, सिटी के लिए लेफ्ट लेके अंदर सिटी में जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना है पुणे तो बाईपास लेंगे, बाईपास सीधा ही है, और हैदराबाद भंडारा जाने के लिए वही है और बाईपास ही है। तो अब यहाँ से बुट्टी बोरी एक जगह है जहाँ से हाईवे कनेक्ट होता है समृद्धि का, तो वो पहुँचने वहाँ तक पहुँचने में अभी 30-40 मिनट्स और लगेंगे, और अभी 5:30 बज गए तो तकरीबन 6:15 तक वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, और उसके बाद 1.5 घंटे और मैक्सिमम ड्राइव करेंगे, फिर कहीं पे हॉल्ट करेंगे। वैसे नागपुर के बाद पहले आता है वर्धा, उसके बाद है अमरावती, बीच में इन दोनों के महकर भी एक जगह है, तो इन तीनों में से कोई एक चूज़ करते हैं और वहाँ रुक जाएंगे। सो गाइस बोटीपुरी आ गया है, अभी यहाँ से लेफ्ट है समृद्धि महामार्ग मुंबई के लिए, और नागपुर का एंट्री टोल यहाँ से है 10 किलोमीटर दूर है, और बस फिर नागपुर के बाद वर्धा का प्लान कर रहे हैं कि वर्धा में ही रुक जाते हैं। अभी टाइम हो गया है अराउंड 7:15 बज गए, 6:30 बज गए,
तो 40 मिनट्स 45 मिनट्स वर्धा के लिए लगेगा यहाँ से। सामने है नागपुर का एंट्री टोल और यहाँ पे एंट्री होगी, और जब भी इस हाईवे से एग्ज़िट करेंगे हम लोग, तो जितना भी ट्रैवल किया है तो पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज डिडक्ट होगा। आई गेस 1.7 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज है इस हाईवे पे। सो जैसे ही एंट्री टोल आता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे है पेट्रोल पंप। अब क्योंकि समृद्धि हाईवे पे पेट्रोल पंप बहुत ही कम है, तो बेटर है कि पहले ही फुल टैंक करा लें। सो गाइस, वर्धा आ गया है और यहाँ से लेफ्ट लेंगे, और वर्धा एग्ज़िट है लेफ्ट में। यहाँ से वर्धा सिटी है 5 किलोमीटर। तो एक होटल देखा है हमने गूगल पे, तो वहीं स्टे करेंगे। तो ये है एग्ज़िट टोल वर्धा का। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे और वर्धा सिटी की तरफ। सो फाइनली वर्धा आ गया है। अब आज डिनर करके यहीं स्टे करेंगे, फिर कल मॉर्निंग में यहाँ से स्टार्ट करेंगे पुणे की जर्नी। सो गाइस, कल रात को वर्धा में हम लोग रुक गए थे, और वर्धा में एक होटल है, होटल मिलन, तो मीना मीना, मीना पैलेस। ओके सॉरी, मीना पैलेस है, मीना पैलेस होटल है। तो पास में हमको वही दिखा, गूगल मैप में वही दिखा रहा था, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। समृद्धि महामार्ग से करीब 7 किलोमीटर हमको पड़ा हो, और हम लोगों ने होटल में चेक इन करने के बाद बाहर थोड़ा सा डिनर किया और फिर सो गए थे, करीब 11 बजे सो गए थे। तो लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, अभी 9 बज गए हैं और अभी भी ब्रेकफास्ट करना बाकी है, क्योंकि समृद्धि महामार्ग में तो कुछ है नहीं खाने वाने का। तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे और फिर निकलेंगे पुणे के लिए। तो वही फिर 7 किलोमीटर बाद समृद्धि हाईवे आएगा, और वहाँ से औरंगाबाद तक कनेक्ट करेगा, औरंगाबाद के बाद फिर अहमदनगर होते हुए पुणे निकलेंगे। तो वैसे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, पर कोई वो बात नहीं है, आज वैसे भी छुट्टी है तो आराम से निकलते हैं। और ये था होटल, हमारा होटल का व्यू, मैं आपको एक क्विक व्यू दिखा देता हूँ। और मैंने तकरीबन लॉबी दिखा दो। हाँ, तकरीबन इन्होंने हमें चार्ज किया था 1500 रुपये। अब कुछ खास तो नहीं था, पर ठीक था। सो गाइस, ये था होटल मीना पैलेस। सो वापस आ गए हम लोग फिर से समृद्धि हाईवे पे। अब लेफ्ट की तरफ है मुंबई, राइट की तरफ कल से आए थे कल, तो अब फिर लेफ्ट लेंगे और कनेक्ट करेंगे एक्सप्रेसवे। और ये है एंट्री टोल।
सो अमरावती है यहाँ से 120 किलोमीटर अभी, और अमरावती के बाद जालना आएगा और फिर औरंगाबाद आएगा। और ये एक्सप्रेस वे पहाड़ों को काट के बनाया हुआ है, तो राइट साइड में अभी भी पहाड़ हैं और बीच में रोड है, तो व्यू बड़े अच्छा दिखता है। सो गाइज़, ये है अमरावती, और अभी हम अमरावती एग्ज़िट से बाहर निकलेंगे क्योंकि पानी की बॉटल्स और कुछ खाने पीने के लिए चाहिए हमें। एक बात और है कि हर एग्ज़िट पे आपको वॉशरूम है, तो ऐसी जैसे लोग बोलते हैं कि कोई वॉशरूम नहीं है रोड पे इशू है, तो आप कुछ नहीं, एग्जिट पे जाइए और आपको मिल जाएगा। आपको टोल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही है और उसके बाद फिर आप कनेक्ट कर लेंगे रोड। सो वापस समृद्धि हाईवे पे आ गए हम लोग, और यहाँ से 146 औरंगाबाद। तो गाइस, ये है एक और पेट्रोल पंप, एक्चुअली ये तीसरा पेट्रोल पंप है, और ये है महकर से थोड़ा पहले, इससे पहले अमरावती के पहले एक और पेट्रोल पंप था, तो अभी तक तीन पेट्रोल पंप हम लोगों को मिल गए। एक्चुअली अमरावती में ही एक था जैसे एग्जिट लेते हैं, और ये तीसरा महकर से पहले। तो गाइज़, अभी हम लोग यहाँ महकर में रुके हुए थे, और यहाँ से भी औरंगाबाद है अराउंड 140, और 80-90 है मेरे ख्याल से जालना, और उसके बाद फिर औरंगाबाद है 65। तो टाइम हो गया है तकरीबन 12:30 बज गए हैं। सोफा एक्चुअली हम लोग दो बार ना बाहर निकल गए, और बाहर इसलिए निकले हैं मतलब हाईवे छोड़ के, एक बार नांदगांव जो अमरावती के एग्ज़िट है वहाँ से निकले, क्योंकि पानी वानी लेना भूल गए थे, और उसके बाद निकले तो फिर भूख लगाई, तो फिर से हम लोग महकर निकले। सो एनी वे, सो फॉर रोड रोड तो है ही है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी है, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इश्यूज़ की, तो पेट्रोल पंप दो थे जैसे मैंने बताया अभी आपको, पहले दो पेट्रोल पंप पड़े हैं अभी नागपुर से, जब से निकले नागपुर में, सॉरी तीन निकल गए, एक नागपुर में ही था जैसे नागपुर से एंट्री करते हैं एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद एक अमरावती पे था, और दूसरा अभी बेकर से करीब 30-40 किलोमीटर पहले तक। तो तीन पेट्रोल पंप पे आगे अगर और भी मिलेंगे तो मैं बताता हूँ। इसके अलावा वॉशरूम्स की, पेट्रोल पंप में तो ओबियसली वॉशरूम है ही है, बाकी हर जहाँ पे भी एग्ज़िट होते हैं, जितने भी एग्ज़िट्स हैं, जितने भी शहर पड़ते हैं छोटे छोटे, वहाँ एग्ज़िट लेके आप जा सकते हो, और वहाँ है वॉशरूम, तो वो इशू भी नहीं। बाकी कुछ खाने पीने की भी, इवन पानी के बॉटल की भी बात करें तो यहाँ कुछ नहीं है, एक शेड भी नहीं है कि आप कहीं पे, अगर आपको रेस्ट भी करना हो तो नहीं। हाँ, बीच में वो जो ब्रिजेस बने हुए हैं तो उसके नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी और कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि ना आप स्टे कर सके, रेस्ट कर सके। तो खाने पीने का मेरे हिसाब से पहले से ही, जब भी एंट्री एंटर करें समृद्धि महामार्ग में, उससे पहले ही अपना पानी की बॉटल्स इनफ खाने के लिए, जो भी जैसे भी टाइमिंग है जो भी करना है, तो वो कैरी करके, और भी अगर कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं तो कैरी करके चलें। और अगर दिन में ट्रेवल कर रहे हैं तो इमरजेंसी पे आप एग्ज़िट लेंगे तो हर जितने भी सिटीज़ हैं वो करीब 2-4-5 किलोमीटर के डिफरेंस में है मोस्टली। अमरावती तो जैसे बहुत दूर था, 33 था, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली है महकर। जैसे अभी हम महकर में गए तो इट वॉज 4 किलोमीटर अवे, तो ये था। और ठीक है, अब औरंगाबाद पहुँचते हैं, फिर 1.5 घंटे और लगेंगे औरंगाबाद के लिए, फिर कहीं लंच वंच के लिए करेंगे और फिर निकलेंगे पुणे के लिए।
सो गाइस, ये चौथा पेट्रोल पंप हमें दिखा और ये है जालना से करीब 20-25 किलोमीटर पहले। तो चार पेट्रोल पंप अभी तक मिल गए हमें। सो गाइस, जालना हो गया है क्रॉस और अब औरंगाबाद है यहाँ से 50 किलोमीटर्स अराउंड। सो गाइस, औरंगाबाद का एग्जिट तो निकल गया लेकिन हम इसके नेक्स्ट एग्जिट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर जो औरंगाबाद का एग्जिट है वो पूरा सिटी क्रॉस करके फिर जाना होता है। और यहाँ से 20 किलोमीटर के बाद जो नेक्स्ट एग्जिट है वहाँ से जाएंगे तो औरंगाबाद सिटी क्रॉस करके निकलेंगे। और लेकिन एक इशू ये है कि यहाँ पे एक टोल आपको, जहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, एक टोल एक्स्ट्रा पड़ता है। और या फिर आप इससे पहले वाला जो है मेन औरंगाबाद का एग्ज़िट, वहाँ से भी ले सकते हैं, पर वहाँ से पूरा सिटी का ट्रैफिक आपको क्रॉस करना पड़ेगा। सो ये है एग्ज़िट नंबर 17 और हम लोग यहाँ से ही एग्ज़िट लेंगे। और यहाँ से एग्ज़िट लेने के बाद 10 किलोमीटर है और जाना है, फिर वहाँ से राइट टर्न लेंगे तो औरंगाबाद सिटी के बाहर ही निकलेंगे, जो कि वालुज एरिया कहलाता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया औरंगाबाद का, तो वहाँ निकलेंगे। तो अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, मतलब स्ट्रेट जाना है और उसके बाद फिर राइट लेंगे औरंगाबाद पुणे नेशनल हाईवे पे। सो गाइस, औरंगाबाद के 25 किलोमीटर बाद यहाँ पे रुके हैं हम लोग लंच के लिए, यह है विजय रेस्टोरेंट। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे लंच के बाद पुणे की जर्नी। सो अब हम अभी एंटर कर रहे हैं अहमदनगर और यहाँ से पुणे अभी है 123। अब अहमदनगर के बाद, सॉरी, औरंगाबाद के बाद से रोड में ट्रैफिक तो रहता ही है और ये ऐसा ही ट्रैफिक है, मतलब एवरेज आप 40-50, इससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो टाइम लग गया और टाइम हो गया है 6 बज रहे हैं अभी, तो यहाँ से कम 3 घंटे तो लगेंगे पुणे, और वो भी अगर अहमदनगर में ट्रैफिक ना मिला तो। सो गाइस, आधे घंटे से नगर ब्रिज पर ही फंसे हुए हैं और बहुत ट्रैफिक हो गया अभी। सो गाइस, जस्ट अहमदनगर क्रॉस किया हमने और अहमदनगर में बहुत टाइम लग गया, 1 घंटे हमें लग गए अहमदनगर क्रॉस करने में। अब टाइम हो गया है 7:30 बज गए, तो होपफुली 10 तो कम से कम बज ही जाएंगे पुणे पहुंचते पहुंचते, क्योंकि रात का टाइम हो गया है, शाम का टाइम है और शाम के टाइम में इस रोड में तो ट्रैफिक रहता ही रहता है। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पहले हैं पुणे के और बहुत ट्रैफिक मिला हमें, और अभी शिकरापुर में हैं और यहाँ तो हमेशा ही ट्रैफिक रहता है। सो ऑलमोस्ट मान के चलिए आपकी, अगर वही अगर हम दिन में निकलते हैं जब,
तो अहमदनगर से, पुणे से अहमदनगर पहुंचने में हमको 2 ढाई घंटे लगते हैं, और आज लग गए हैं करीब 6:30 से, 3 घंटे अभी हो गए हैं और 1 घंटे और लग जाएंगे, 4 घंटे लग जाएंगे। और ज़बरदस्त यहाँ का ट्रैफिक है, तो बेटर यही है कि अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इवनिंग टाइम। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि इवनिंग टाइम में, या फिर इवनिंग टाइम ना पहुंच के थोड़ा जल्दी निकल गए होते अगर हम लोग, तो शायद 3-4 बजे तक पूरे पहुंच गए होते। एनीवे ये है सिचुएशन। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी बाघोली, और यहाँ से हार्डली 3-4 किलोमीटर है खराड़ी, जहाँ पहुँचना था। टाइम हो गया है 10:15, टोटल किलोमीटर हुआ है 1180 जो हमने ट्रेवल किया है मैहर से, 2 दिन लग। एनीवे ये था हमारा मैहर से पुणे तक का रोड ट्रिप का ब्लॉक। वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, टोल और समृद्धि महामार्ग के में क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, या पेट्रोल पंप, वॉशरूम, खाने पीने, सब चीज़ें हमने कवर की हैं ऑलरेडी। अगर कोई क्वेरी है या कोई आप लोग को लगता है कुछ पूछना है तो यू कैन कम इन, और जल्दी मिलेंगे कोई नए रोड ट्रिप में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।